ये विंड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है बहुत सारी विंड जब मूव कर रही है तो यही फॉर्म करती है विंड करंट का दिख रहा है ये विंड करंट का फॉर्मेशन ये दिख, दिख, दिख रही है डिफरेंट डिफरेंट विंड मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जो मूव कर रही है यही हो रहा है विंड करंट क्लियर ये देख रहे हैं हम लोग ये जो एरोज दिखा रहे कि ये विंड करंट के डायरेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एयर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर इन द एटमोसफियर तो हमने ये शुरू से जानते आए हैं कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में मूव करेगी एंड दिस डिफरेंस इन द एयर प्रेशर इज क्रिएटेड बाई अन हीटिंग और अनईक्वल हीटिंग ऑन द अर्थ तो ये प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने जाना है ये अनिमन हीटिंग के कारण हो रहा है अर्थ में तो आज हम ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे अनिमन हीटिंग हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि हमने तो ये जाना है कि किसी टेम्परेचर में किसी एक सरफेस में हीटिंग ज्यादा होगी वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा एयर हाई हो जाएगी और प्रेशर लो हो जाएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां प्रेशर हाई हो जाएगा और हाईर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर मूवमेंट होगा पर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के एरिया क्रिएट कैसे हो रहे हैं तो आज हम ये जानेंगे द रीजन वेयर द एयर एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड द रीजन वेयर एयर सिंह द एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड तो जहां से एयर राइज कर रही है वो लो प्रेशर एरिया है और जहां एयर सिंक कर रही है वो हाई प्रेशर एरिया है जैसे ये चीज हमने एक और बार देखा था कि हमने देखा था कि लैंड में क्या हो रहा है एयर वहां की वार्म हो रही है और एयर वार्म होकर ऊपर उठती है और वहां पे क्या होता है कोल्ड एयर कोल्ड एयर क्या होती है उस space पे आ जाती है क्योंकि वार्म एयर ऊपर उठ के राइज होके जो स्पेस बनाई है उस स्पेस में कोल्ड एयर आ जाती है तो ये भी है कि जो विंड है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण आ रही है क्लियर द अनइवन ही ऑन द अर्थ

और अपने एक्सेस में पोल्स के से लेके हम लोग देखते हैं ना कि अर्थ मूव कर रही है रोटेट कर रही है क्लियर द रीजन ऑफ द अर्थ विच इज क्लोज टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ गेट द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन तो जो सन है तो एक्चुअल में क्या होता है जो अर्थ का इक्वेटर वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम हीट लेगा सन की मतलब अर्थ हमको पता है कि ऐसे स्ट्रेट तो मूव करते नहीं वो अपने डायरेक्शन पोल्स के थ्रू अपने एक्सिस में एक डायरेक्शन में बेंट रहती है तो वो बैंड भी रहती है तो जो मैक्सिमम हीट गेन करता है वो एरिया होता है इक्वेटर का मतलब इक्वेटर दैट मीन्स मैक्सिमम हीट यानी इक्वेटर है तो वहाँ मैक्सिमम सनरेज आएगी मैक्सिमम हीटिंग होगी क्लियर देर फोर द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्मेस क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर और हमें देखा है कि जहाँ हीट आएगी सबसे ज्यादा वहाँ की एयर हीट हो जाएगी एयर भी वार्म हो जाएगी वो राइज करेगी अब क्या होता है कि यहाँ पे एयर राइज करेंगे और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा तो इक्वेटर में क्या होता है कि जहां मैगजिम हीट आएगी मैक्सिमम एयर वार्म वार्म हो जाएगी एयर ऊपर डायरेक्शन में उठने लगेगी और लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगी तो जो सबसे लो प्रेशर एरिया है वो है इक्वेटर में तो जो दूसरी दूसरी एक्सिस है इक्वेटर के आसपास के एरिया है वो थोड़े हाई प्रेशर है एस कंपेयर टू इक्वेटर क्लियर तो ये दिख रही है ये आपकी इक्वेटर है क्लियर तो इक्वेटर के एरिया में सबसे लो प्रेशर है कम्पेयर टू दिस यहाँ पे थोड़ा हाइयर प्रेशर है टू इक्वेटर फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे और हाइयर प्रेशर है टू इक्वेटर यानी मैक्सिमम हीट हीट आएगी लो प्रेशर रहेगा और जहां कम आएगी हीट सबसे कम कहा मिलेगी पोल्स में पोल्स में सबसे कम हीटिंग होती है सनरेज सबसे कम जाएगी तो पोल्स में क्या होगा वहां पे हाइयर प्रेशर एरिया क्रिएट रहेगा क्लियर द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन हमने हमेशा देखा है है? कि क्या होता है? लो प्रेशर की उठती है हाई प्रेशर की वहां आती है तो जब हम बात करेंगे तो इक्वेटर आपके जीरो डिग्री में है. और मान लो कि ये, ये है थर्टी 30 30 डिग्री, तो डिग्री में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो देखो अपनी मकर रेखा और कर्क रेखा है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअल में प्रेशर हायर रहता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर तो वहाँ से जो एयर उठेगी क्योंकि हायर प्रेशर से एयर उठेगी और वो उठेगी दैट मीन्स वो वहां से आके इस इक्वेटर पे आएगी क्योंकि इक्वेटर की एयर तो वार्म होकर ऊपर डायरेक्शन में चले गई तो उस वार्म एयर के जाने के बाद जो स्पेस बना था वहाँ पे ये एयर आ जाएगी क्लियर एंड थर्टी डिग्री वाली प्लेस की एयर की एयर वहां आ जाएगी क्यों क्योंकि वहाँ पे तो स्पेस क्रिएट हो गया था और ये रिप्लेस तो कर देती है दिस मेक्स अंड्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन टूवर्ड द इक्वेटर तो हम कह सकते नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से मूव कर रही है एयर इक्वेटर की ओर क्योंकि इस थर्टी डिग्री से यानी ये नॉर्थ से साउथ में आ रही है और इस साउथ से नॉर्थ में यानी ये इक्वेटर के साइड जा रही है दोनों साइड से ऊपर नॉर्थ वाली इक्वेटर के पास आ रही है साउथ वाली भी इक्वेटर के पास जा रही. तो रही है तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर आपकी नॉर्थ से और साउथ से इक्वेटर की ओर आ रही है क्लियर एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट लेटिट्यूड अबाउट द सिक्सटी डिग्री तो पोल्स में क्या है कि एयर और कूल है जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हीटिंग सबसे कम हो रही है तो यहाँ पे इस एरिया को हम 60 डिग्री रीजन, रीजन कह रहे हैं की देखेंगे तो ये 60 डिग्री वाला रीजन है ये था आपका डिग्री में इक्वेटर और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री वाला रीजन ठीक है तो 60 डिग्री वाला लैटीट्यूड वाला जो रीजन है पोल्स वो काफी ठंडी हवाएं हैं वहां पे अब है क्वेश्चन आया कि हमने देखा कि रेस तो क्या हमने कहा साउथ नॉर्थ नौ, से साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो फिर सीधी क्यों जाती है हमको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते क्यों दिख रही है क्वेश्चन है आई द विंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब अगर हम कह रहे हैं तो ये तो ऐसे ही आना चाहिए स्ट्रेट क्लियर और ये भी सीधे जाना चाहिए मतलब ये नॉर्थ से इक्वेटर के डायरेक्शन में आएगी स्ट्रेट और ये साउथ से इक्वेटर के डायरेक्शन में स्ट्रेट आएगी बट हम फिगर में देख रहे हैं एक्चुअल में तो ये तो कुछ ऐसे हमको बेंट दिख रही है दिख रही है कुछ इस डायरेक्शन में तो क्वेश्चन यही है कि जब हम कह रहे हैं कि मूवमेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आ रहा है तो एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में क्यों नहीं दिख रही है या आपको बेंट क्यों दिख रही है तो एक्चुअल में क्या होता है आपकी अर्थ रोटेट भी तो कर रही है मतलब हमारी हमने कहा कि विंड इधर से आ रही है हायर प्रेशर से लोअर में इधर से भी हायर से लोअर में चले गए दैट मीन्स इक्वेटर में आ गई यानी स्ट्रेट तो आनी चाहिए पर अब अर्थ रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली जब कंटिन्यूसली अर्थ रोटेट कर रही है और ये एयर भी आ रही है तो वहां पर फोर्स क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा उस अर्थ भी घूमते ना जा तो जाते हुए उस फोर्स के कारण आपको बैंड होती हुई दिखेगी ठीक है तो ये एयर बैंड हो जाएगी इसलिए हम कहते हैं ना कि हवा जो आ रही है तुम देखना कभी भी ऐसे ऊपर नीचे सीधे थोड़ी आ रही है ऐसे हवा बह रही है ना तो रीजन यही है कि वहां पे अपने अर्थ रोटेट भी तो कर रही है तो अर्थ के रोटेशन के कारण आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में ना दिखते हुए ऐसे सीधी मतलब ब्लो करते हुए दिखती है क्लियर द द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ तो ऐसा होना तो चाहिए कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ वाले डायरेक्शन में दिखना चाहिए अ चेंज इन डायरेक्शन इज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन रीजन है रोटेशन ऑफ़ साउथ ना होते हुए हमें है, है उसका हम ने ऐसे ना बनाते हुए ऐसा बेंट दिखाया हमने भी को जब वो विंड है उसको हमने बैंड करके दिखाया है क्योंकि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करती ही नहीं है वो तो बैंड हो जा रही है डायरेक्शन चेंज हो रहा है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ठीक है क्लियर बच्चों हीटिंग ऑफ लैंड एंड द वाटर तो हमने देखा कि अनिमन हीटिंग ऑफ इक्वेटर और तो देख लिया तो so, ये भी एक रीजन है कि आपका एयर प्रेशर जनरेट हो रहा है लेकिन दूसरा क्या विंड करेंट आ रही है उस एयर प्रेशर के कारण और दूसरा रीजन क्या है अनिमन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर तो ये क्या है तो हम लोगों ने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ा था हीट वाले चैप्टर में जिसमें जाना था कि कैसे लैंड का प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है यहाँ जल्दी हीट होता है वार्म एयर ऊपर जाती है और यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर ये डे के टाइम की बात है क्लियर और अब क्या हो रहा है यहाँ पे कोल्ड है क्योंकि हीट जल्दी मतलब अस कम्पेयर टू लैंड वाटर जल्दी हीट नहीं हो पा रहा है दिन में तो यहाँ पे क्या हो रहा है कोल्ड एयर बन गई और कोल्ड एयर है दैट मीन यहाँ पे आ रहा है High pressure. अब क्या हो रहा है कि में में जब लो प्रेशर में आया हो तो ऊपर उठने लगी लो प्रेशर हो गया और हमने जाना है है कि प्रेशर से प्रेशर की ओर करती है। तो ये आपकी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर आ गई तो यही आपकी स्लिप रेस बना रही है ये साइकिल चलते जाता है ये वार्म एयर ऊपर उठते जाती है और कोल्ड एयर वहाँ आती जाती है उसके प्लेस में आती जाती है तो ये साइकिल चलते जाता है और इससे हम कहते हैं सी ब्रीज सिमिलरली नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होती है कि वाटर क्या है ये मतलब ये जरस का टेम्परेचर हाई रहता है एज कम्पेयर टू लैंड क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट होता है फिर आपकी विंड लोअर से हाईअर जाती है इस चीज़ों को हमने हीट में डिटेल में डिस्कस की है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज तो ये क्या हो रहा है हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के कारण ही हो रहा है ये जो प्रेशर डिफरेंस और विंड करंट हो रही है किसके कारण हो रही है हीटिंग ऑफ लैंड एंड ब्रिज के बारे में हमने देखा था जो चीज हमने यहाँ देखा सेम वही कि नाइट के टाइम में क्या हो रहा है लैंड जल्दी कूल हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर और ये यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे अब आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्लियर यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर तो फिर वापस ये हाई से लो डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू होते जाएगा क्योंकि प्रेशर है तो एयर ऊपर उठ गई तो फास्टर एंड मोस्ट ऑफ देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन तो हमने देखा है कि इक्वेटर के पास वाले एरिया में देखना वहां पे तो मैक्सिमम हीटिंग रहेगी मैक्सिमम टाइम वाटर के कम्पेरिजन में लैंड वॉमर ही रहेगा हीट रहेगा क्यों क्योंकि वो जल्दी गर्म होता है ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती है एयर ओवर द लैंड टू फ्लो फ्रॉमसून एक्चुअल में क्या होता है कि हमने देखा मैग्जिम टाइम क्या हो रहा है कि लैंड गर्म है लैंड गर्म है तो वो क्या हो रहा है कि एयर वॉर्म होकर ऊपर उठ रही है और वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो रहा है उस स्पेस में एक्चुअल में वो लोअर प्रेशर वाला रीजन तो हो गया क्योंकि एयर ऊपर उठ गई एयर तो वहां पे मैक्सिमम टाइम आती है सीज से या फिर से वहां लैंड के डायरेक्शन में एयर आती है तो यही जो फॉर्मेशन है ये ये मानसून विंड्स कहलाती है तो ये जो से लैंड के डायरेक्शन में जो एयर आ रही है विंड आ रही है ये मानसून विंड कहलाई जाती है क्लियर नाउ द नेक्स्ट इज

कि कैसे वो जो रेज लोअर प्रेशर से एयर ऊपर उठी है वो ऊपर आके कंडेंस होके वापर वापस ए, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में या फिर रेन के फॉर्म में नीचे आएगी तो ये क्या है सब वाटर साइकिल का फॉर्म है द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स तो जब मानसून विंड्स होती है जो वो लैंड के डायरेक्शन में जाती है वो वाटर कैरी करती है और उसी के कारण रेन होती है अन इवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मॉनसून फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर तो स्पेशली अगर इंडिया में देखें तो राजस्थान डेजर्ट हम सब जानते हैं कि राजस्थान डेजर्ट मतलब हम मैक्सिमम क्या है डेजर्ट एरिया है बहुत ज़्यादा हीट होती है क्योंकि वाटर कम है डेजर्ट एरिया है हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और हमने देखा कि हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि एयर वार्मों के ऊपर उठेगी तो वहाँ पे कोई तो एयर आएगी तो ओशन से वहाँ पे जो एयर आ रही है वो क्या बना रही है वो मानसून विंड बना रही है तो जो अपने इंडिया में राजस्थान के कारण बहुत सारी मानसून रही है ठीक है कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन और जो वाश... वाटर आ रहा है वो इंडियन ओशन के थ्रू आ रहा है क्लियर तो जो मानसून विंड्स है जो राजस्थान डेजर्ट के थ्रू बन रही है वो इंडियन ओशन से लॉट्स ऑफ वाटर लेके चलती है फिर मानसून विंड बनती है और वही जाके फिर मानसून कर पाता है क्लियर क्योंकि क्या होता है कि राजस्थान में क्या है पूरा लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है वहाँ एकदम हीटिंग होती है लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ तो कहीं से तो उसको कॉम्पनसेट करेगा क्योंकि वहाँ स्पेस आ गया एयर पूरी ऊपर उड़ गए कोई तो स्पेस आएगा तो वो मान क्या है कि अपने इंडियन ओशन से पूरी वेव्स आती है वाटर वेव्स वाटर जो आती है विंड के फॉर्म में वो आती है और वो विंड एक टाइम पर हल्की होते होते बरसते हुए चलती है क्योंकि मानसून बन जाता है वही आपका मानसून ये दिख रहा है आपका इमेज इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन तो इन विंटर में जस्ट उल्टा हो जाता है जो मानसून विंड बन रही थी वो समर में हो रहा था क्योंकि समर में सबसे ज्यादा रेगिस्तान आपका आपको जो डेजर्ट है वो हीट हो रहा था पर विंटर में डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन क्योंकि विंटर में हमको पता है लैंड ठंडा हो जाएगा ओशन एज कम्पेयर टू लैंड ज्यादा गर्म रहेगा तो अब आपकी जो विंड रहेगी वो कहाँ जाएगी लैंड से ओशन के डायरेक्शन में टिंग ऑफ लैंड एंड वॉटर इन विंटर जनरेट विंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड तो अनिवन हीटिंग हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि विंटर में नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड से विंड क्रिएट की जा रही है दिस कोल्डर विंड कैरी लिटिल वॉटर हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन हो रही है विंटर में कभी कभी हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में भी बारिश होती है जैसे एक्चुअल में हिंदी वर्ड में आम्र वर्षा कही जाती है तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोल्डर विंडस आ रही है विंटर में तो कोल्डर विंड कैरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर

साउथ के डायरेक्शन में विंड आ रही है डायरेक्शन दिख रहा है ये आपको एरो को इस डायरेक्शन में क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है समर में जैसे इसका रिवर्स होता है क्लियर